क्या मामी घी इतना सारा? सेंधे रोटी का दोन बाण जी बाण सेंधे रोटी। ये तो वो हलवाई बाल कटके वाली बोल रही है। मासी दोनों आ सेम सेम है। मेरे पिछले व्लॉग में आपका स्वागत है। आज भी आई हूँ रक्षाबंधन पे अपने ननियाल। ये देखिए एकदम देसी लुक मेरी मामी श्री। देखो क्या चूल्हे पे आज रोटी बना रही है गर्मा गर्म। मतलब आज हमें चूल्हे की रोटी खाने को मिलेगी। बहुत सालों के बाद हम यहाँ आए हैं और चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। यहाँ तो पहले आ चुके साल भर पहले, पर चूल्हे की रोटी बहुत सालों से हम खा रहे हैं। ये देखिए ये मेरी मामी है और इतना भोजन बन रहा है तो अंदर गैस पे मतलब जगह ही नहीं है कि क्या बनाए, तो सोचा कि रोटी बाहर बना ली जाए। देसी गाय का घी एकदम से। और ये मैं आपको घर की लोकेशन दिखा रही हूँ। साहब है जो इधर उधर घूम रहे ससुराल में शरमा रहे इधर। ये देखो ये बाहर का लुक है मेरे ननियाल का। मतलब पहले हमारे पुराने घर थे, फिर अपने हो गए। ये माता श्री बैठी है। ये दिव्यू है जो आप इसे परेशी से अभी सो के उठा है यहाँ पे। ये ऐसे लग रहा है कि आज कहाँ आ गया, तो रो रहा है बार बार। दिव्या और मासी दोनों आज सेम सेम है। हाँ। और लगा सी ये भाभी श्री है जो किचन में खाना बना रही है। अभी इतने किचन में स्पेस ही नहीं है, मतलब इतने लोगों का खाना एक अकेली बना रही है। देखो भाई है ये, भाई टमाटर काट रहा है, मतलब हेल्प करवा रहा है। ये देखिए कौन कौन आज ऐसे अपने मायके जाके ननियाल जाके ऐसे इतना काम करवा रहा है अपने भाभी से भाई से, मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताए। चावल बना दिए। हाँ ये चावल बन गए। चावल बना दिए मैंने है ना, मीठे चावल। वाह ये सैलेड बन रहा है इधर। ये देखो ये छाछ का भरावा पड़ा है यहाँ पे। ये छाछ है। अरे वाह खास तो एकदम देसी खाना। और इसमें मतलब कितने साल हो गए ऐसा खाना खाए हुए। ये दाल दाल अभी फ्राई होगी है ना ऊपर से, है ना। ये भी मैंने क्या बनाया, बाजरे की रोटी। ये बाजरे की रोटी वाह। ये बाजरे की रोटी गरम करके मैं ही खाने वाली हूँ, है ना। ये भी दाल फ्राई का तड़का तैयार हो रहा है। ये छोटी बहन है, ये भी यहाँ आई हुई है, मोटी बहुत हो गई है ये। ये भी लहसुन छील रही है। ये गोभी है, इतना है। मतलब मैं लाइव लोकेशन आपको दिखा रही हूँ कैसे कैसे काम फैलता है। ये देखिए अब हम तो खा पी के फैला के सबसे ज्यादा काम रक्षा बंधन के दिन फैल रहा है। देखिए हम तो काम फैला के यहाँ से चले जाएंगे और ये सब बैठे रहेंगे फिर करते रहेंगे। मजा आ रहा है क्या काम करते हुए? मजा आ रहा है क्या मुझे? शांति चाहिए। नहीं बहन के लिए काम करते हुए मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। भैया बोल रहे मुझे शांति चाहिए, कोई शांति है ना आपकी नजर से? नंबर दे देना शांति चाहिए। भाभी घूम लो उठा चढ़ो बारो आई हूँ मम्मी उन्होंने ये है मेरा ननियाल फ्रेंड्स सीकर गोकुलपुरा है ना, शेखावाटी एरिया है सीकर गोकुलपुरा। आप आ सकते हैं। मारवाड़ी है हमारी लैंग्वेज यहाँ की। राजस्थान से शेखावाटी से कौन कौन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये दिव्यू है, हेलो करो दिव्यू, हेलो करो। निंदी ने उठा है अभी आज। निन्नी पूरी नहीं रही, निन्नी पूरी नहीं रही आज। ननियाल में ये ले रहा है मार्केट। हाँ बच्चों को दिखाते हैं, चलो बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे देखो फोन पे लाइट ऑन करो। सब बच्चे लाइट ऑन करो। अरे इन्वर्टर चल जाएगा, चलो तो रोशनी में चलो अंदर। आपको भी दिखाती हूँ।
इधर आओ सब, इधर आओ। ये देखिए कितने सारे बच्चे, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। इतनी परेशान कर रखा है सब लोगों ने। ये देखो घर के अंदर कौन साइकिल चलाता है, देखो ये देखो सब चला रहे हैं। ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब इतना मजा आ रहा है। आज कितने सालों बाद ननिहाल आए हैं। इतनी बिजी लाइफ हो जाती है ना इंसान की कि कहीं मिलने जुलने का टाइम ही नहीं रहता है। आज इतने साल बाद आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई की दो बेटियां है, टिविन जुड़वा, इधर इधर चिन्नू जम्मू, ये देखिए ये बहन का बेटा है, इधर इधर ये बहन की बेटी है, और ये मेरी बेटी सिया ही है, पता ही है। ये दोनों मेरी बहन की बेटी है। इधर अब मैं मामी के पास जा रही हूँ, चूल्हे के पास ही मजा आ रहा है। ये घर का सबसे, ये देखो कैसे उधम मचा रहा है। ये घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है हमारे घर का, ये भाई का बेटा है। हेलो गुरु, हेलो हेलो गुरु, ये देखिए तैयार हो गई मामी, तैयार हो गई भाई। कितनी और ये रोटी चूल्हे की, वाह घी लगा के एकदम चूल्हे की रोटी है, तैयार हूँ, वाह मजा ही आ जाएगा आज तो। हाँ क्या मामी घी इतना सारा, आज काया मारी भी सोरी होगी, ठारी तो ज्यादा ही होगी यार। समझ में आया गाइस क्या बोल रही है मामी, ऐसे बोल रही है सब डालो अपने भांजा भांजी को खाना, मतलब जी खुश हो जाता है अपने भांजा भांजी को और इतने परिवार को, और ऐसे रोटी बना के खिलाते हैं ना। हाँ गाय यही है, बाड़े में है गाय, पीली गाय को की है, देसी को, देसी खाना, देसी। तो चूल्हे पे रोटी बना मतलब जल्दी बन जाती है ना, गैस पे इतनी रोटी धीरे धीरे करो, चूल्हे पे गैस की तो रोटी जच्चे ही को नहीं है ना। लकड़ी वाले लकड़ी पदवा ये हरी रक्षाबंधन, हाँ आनंद हो जाएगा। तो अभी खुला गया जैसे ना, ये मैं हूँ, मैंने शगुन बनाए थे मामी के वहाँ पे, शगुन किसी ने नहीं बनाए थे। मेरी जो बहन है मामा की बेटी, उनके कोई ससुराल में एक्सपायर हो गया तो वो नहीं आए, तो मैं गई वहाँ पे, मैंने शगुन बनाए। ये देखिए क्योंकि इनके बिना तो राखी बनती नहीं है ना, ये मैं इनके जो गुरु साहेब है उनका नाम लिख रही हूँ। इधर जय साहेब की जो सांगलिया दुनी है ना, उनको मानते हैं हमारे ननिहाल में, और हम भी सब मानते हैं उनका। ये तो ही थी मैं, तो मैंने पहले इधर नाम लिखा फिर जय बाद में लिखा। तो थक नहीं रहा क्या, कब चला रहा था बेटा है? ऐसे पता ही नहीं कि बुजी आई है, बुजी से बात कर लूं थोड़ी सी इधर। हाँ ये हो गई क्या सब्जी तैयार, क्या क्या हो गई ऐसे बोल दो, आप तो बस ऑर्डर लगा दो दीदी है ना, ऑर्डर लगाने आते हो यहाँ पे। वाह ये तो वो हलवाई भी फेल है, आलू गोभी है ना, ये दाल तड़के वाली। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये खाना कैसा लग रहा है। ये देखिए दाल तड़के वाली, किस किस का तड़का लगाया, हींग का तड़का लगाया क्या, ये देखो माथा कैसे लाल हो गया आज बना बना के, ऐसा लग क्या गांव से आ गई आज।
ये थक गई है ना, ये सलाद भी तैयार हो गया और सब ऑलमोस्ट तैयार हो गया है ना। कितने बजे पहुंचेंगे आज घर पे? 12-1 बज जाएगी हमें जाते हुए। चले जाएंगे जाते ही, सिया की छुट्टी करनी पड़ेगी। अभी खाना तैयार हो गया, अभी खाना खाते हुए का वीडियो बनाएंगे फ्रेंड, फिर जाते हुए का आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं खाना जब सर्व हो जाएगा तब। गाइस ये सबको खाना खाते हुए का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि दीदी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना रोने लग गया था कि मैं किसी का भी नहीं बना पाई थी। मैंने जब खाना खाया तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया खाने का। आपको मेरा ननिहाल का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना था, मतलब रोटियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हमेशा गैस की रोटी खाते इतना स्वाद आता नहीं है। फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताना आपको मेरा खाना और ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।